क्योंकि मैं तो 100 से ज्यादा लायंस क्लब के फंक्शन में देश प्रदेश में गया हूं, और जिस प्रकार की प्रवृत्ति लायंस क्लब कर रही है, हैट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ सैल्यूटेशंस। और लोग चाहिए, और क्लब्स चाहिए, तो सर्विस को जीवन में प्राधान्य देना, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू डाई इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड यू शुडंट हैव डन। उससे तो अमेरिका में एक क्लब चालू हुई है, बिलियनर क्लब, सॉरी मिलियनर क्लब है। उसके क्लब के मेंबरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, यू आर शुड बी अ मिलियनर। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी इनकम या अपनी एसेट्स या अपने बैंक अकाउंट्स, मतलब टोटल प्रॉस्पेरिटी के 90% आप डोनेट करने का प्लेज लो, वो प्राइमरी मेंबरशिप के फॉर्म में आपको भरना पड़ता है, और उसी वक्त 10% इनकम का चेक दे देना पड़ता है फॉर अ गुड कॉज। वे लोग ये मानते हैं कि आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप इतना ही छोड़े कि वो एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सके, इतना मत छोड़ना कि आपके जाने के बाद या उसके पास जब व्यवस्था हाथ में आ गई तब वो ऐश आराम करे, क्लब में जिए और आपके सब पैसे उड़ा दे, इतना ही आपको छोड़ना है। तो देखो सर्विस को प्राधान्य है। बिल गेट्स ने कितना दे दिया, वॉरेन बफेट ने कितना दे दिया, जैकी चैन ने कितना दे दिया, और हम लोग तो 25 साल से ये धन का त्याग रख के चलते, अब पता चला कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी इज दैट वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। पैसे की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा हमने उनको सत्ता दे रखी है। वी डिसाइड रिलेशनशिप्स बाय मनी, वी टेक डिसीजंस बाय मनी, वी जज ईच अदर बाय मनी, यस और नो? तो दिस इज नॉट गुड लिविंग। कहां रविशंकर महाराज के पास पैसे थे, प्रमुख साईं महाराज के पास कोई एक बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज करोड़ों लोग के हृदय में बैठकर करोड़ों लोग उनके प्रति आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो सर्विस, सेवा भावना ज्यादा रखना, उससे आनंद आएगा, संतोष मिलेगा, एंड यू वुड फील दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ। और इसी सिलसिले में जो आखिरी मुद्दा कहना है वो अपना परिवार, व्यवसाय का भी ध्यान रखना, सेवा का भी ध्यान रखना, और परिवार का भी ध्यान रखना। उसके लिए परिवार में बच्चों को संस्कारित करना। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेत और ध्रुव की बात की है, उंगली ऊंची करें, फेथफुली। हाँ, आधे से भी कम है। देखो स्टीव जॉब्स कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, ये सब वे मीडिया से जान जाएंगे, लेकिन श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन में ये नहीं आएंगे। अगर आ गए तो बोलेंगे कि यू आर सेफ्रनाइजिंग योर एजुकेशन सिस्टम। अगर श्रवण की बात आपने उसको की है तो वो बड़ा होगा, जब आप बीमार होंगे तब पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही। देखो एक ने दबा दिया, 12,000 करोड़ का एम्पायर था, पिता ने पुत्र को 12,000 करोड़ का एम्पायर भेंट में दिया। नाम याद आ गया सबको? और उस व्यक्ति ने अपने पिता की क्या हालत की, एक 2-bedroom हॉल किचन के फ्लैट में, साउथ मुंबई में रेंटेड फ्लैट में धकेल दिया, एक हुंडई गाड़ी छोटी सी सेकंड हैंड दे दी। उसकी वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा। बहुत बड़ा धंधा दे दिया उस कंपनी का, जो ब्रांड नेम है उसके उसके पीछे नीचे एक सब टाइटल लिखा है, द कंप्लीट जेंटलमैन, देखना। लेकिन वो बनाने वाला जेंटलमैन नहीं बना। उस कंपनी के ब्रांड नेम के नीचे एक सब स्लोगन लिखा है, द कंप्लीट मैन, लेकिन तू इनकंप्लीट रहा। तो बच्चों को संस्कारित करना, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज टू गिफ्ट एंड इम्बाइब कैरेक्टर इन योर चिल्ड्रन।
आप अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड, वे कहते थे कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन आपकी संपत्ति और संतति दोनों चली जाएगी। देखो चली गई, ये तो एक प्रसंग बना है, हजारों बने हैं। आज आप अपने बच्चों को मॉल में ले जाना, थिएटर में भी ले जाते हो, शॉपिंग और ट्रिप के लिए भी ले जाते हो, हॉलीडेज में पिकनिक और टूर पे भी ले जाते हो, ले जाना, लेकिन कभी उसको अनाथ आश्रम में भी ले जाना, हॉस्पिटल में भी ले जाना और मंदिर में भी लेके कभी आना। सो ही डेवलप्स अ बैलेंस कैरेक्टर इन हिज लाइफ, ये जरूरी है। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रोज शाम को 20 मिनट के लिए घर सभा करना, आई एम फिनिशिंग इन 2 मिनट्स, रोज शाम को 10-20 मिनट के लिए घर सभा करना, यह मैसेज मुझे आपको सबको देना है। 20 मिनट्स ऑफ स्पिरिचुअल सेशन एवरी डे विथ ऑल योर फैमिली मेंबर्स, और उसमें क्या करना है, प्रथम 5 मिनट आपको भगवान का नाम स्मरण करना है, दूसरी 10 मिनट आपको रामायण या महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ के थोड़ी चर्चा करनी है, एंड द थर्ड 5 मिनट्स इज यू शेयर द डे इज हैपनिंग्स। इनको प्रमुख साईं महाराज घर सभा कहते थे। अपने अमृत अनुभव से उन्होंने कहा है कि घर सभा से विश्व शांति होगी, बिकॉज कैरेक्टर ऑफ अ मैन, द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर गिव्स हार्मनी इन द हाउस, हार्मनी इन द हाउसेस गिव्स ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर सोसाइटीज मेक अ नेशन ग्रेट एंड ग्रेट नेशंस कम टूगेदर टू मेक अ पीसफुल वर्ल्ड, ये क्रम है। तो चारित्र से विश्व शांति। आप बोलेंगे कि स्वामी आप तो साधु हैं, आपने भगवान में श्रद्धा और भगवान के नाम स्मरण की बात की है, आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद दीक्षा लिए, तो मुझे दोनों का अनुभव है। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट हुए हैं, किस विषय पे, कि जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नित्य प्रार्थना और जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो उनका नाम स्मरण से आपके फिजिकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। 50,000 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए, तो सिर्फ ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूव्ड। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया की आप वेबसाइट खोलना, वहां एक रिसर्च हुई है, दो प्रोफेसर्स थे, मैं उनका नाम आपको देता हूं, प्रोफेसर एच जी कोइंग और प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग। ये दोनों प्रोफेसर्स ने रिसर्च की भगवान के नाम स्मरण के, 4,000 लोगों को इकट्ठा किया, 4 ग्रुप बनाए, 1,000-1,000 के 4 ग्रुप, और उनको 12 मिनट तक नाम स्मरण करवाया, उसके पहले उनके MRIs किए, माइंड मैपिंग किया, और MRIs भी ये जो होते हैं मेडिकली हॉस्पिटल में होते हैं वो नहीं, स्पेशल सॉफ्टवेयर से, सो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक स्टेटस पता चलता है। पहले 1,000 जो लोग थे उनकी एज ग्रुप थी 4 to 12, दूसरे 1,000 थे वो 12 to 22, तीसरे 1,000 थे तो वो 22 to 60 वर्किंग एज, और चौथे 1,000 थे वो 60 to 80 ओल्ड एज। और उनको कहा कि नाउ यू गो बैक टू योर होम, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, क्रॉस सेक्शन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सबके थे। 8 वीक तक आपको यह प्रयोग करना है, रोज 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण बैठ के करना है। 8 वीक के बाद सबको वापस बुलाएं, फिर से सबको 2 एक्सपेरिमेंट करके फिर से सबका माइंड मैपिंग किया और MRIs किए, और कंक्लूजन रिपोर्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पे देख लेना। कंक्लूडिंग रिपोर्ट यह आया कि जो बच्चे थे 4 साल से 12 साल के, उन्होंने नित्य नाम स्मरण किया तो उनके मेमोरी पावर में 15 to 19% इंक्रीज हुआ। तो ये टुवर्ड्स बेटर लिविंग की बात है कि नहीं? आपके बच्चे के मेमोरी पावर अगर 15 to 19% बढ़ गया, इज इट एडवांटेजियस और नॉट? दूसरा जो एज ग्रुप था दैट वाज फ्रॉम 12 to 22, उनको ये लाभ मिला कि उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया फ्रॉम 5 to 9%। तीसरा जो ग्रुप था जो 22 to 60 जो वर्किंग ग्रुप था, उनका बफर कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। 22 से 60 की उम्र में ही शॉक्स आते हैं ना, सब फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आते हैं, सबको आते हैं।
तो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं, वो बढ़ गई। ये भी बड़ा टूवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा जो ग्रुप था फ्रॉम 60 to 80, जो बुढ़े थे, उनको इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति 5 to 9% बढ़ गई। ये बेटर लिविंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अगर भगवान के नाम स्मरण से, ये यूनिवर्सिटी और फिलाडेल्फिया के रिसर्च में पता चला कि भगवान के नाम स्मरण से आपके मेमोरी पावर अच्छी होती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी बफर कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, तो ये लाभ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बात सही है। टूवर्ड्स बेटर के लिविंग के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल बैंड ऑफ लाइफ रखना। कई बार मैं बोलता हूं SNS, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी, दो साथ में चलनी चाहिए। और रामायण और महाभारत जो मैंने बोला कि 10 मिनट आप पढ़ना, मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, आप घर जाके अंतर्दृष्टि करना कि आपके जीवन में आज तक जितने प्रसंग बने हैं, अभी बन रहे हैं, भविष्य में बनेंगे, उसमें से कोई भी एक प्रसंग आप उठा लेना, वो प्रसंग रामायण या महाभारत में बना होगा, देख लेना। सीधा आपको काउंसलिंग और गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से मुझे वर्ताव रखना है, क्या करना है, क्या सोचना है। कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आपके घर में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसमें आप दशरथ हैं, वाल्मीकि हैं, या राम हैं, कैकेयी हैं, या मंथरा है। इतना तो आपको पता चलेगा। और मैनेजमेंट वाले ये सिखाते हैं, इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। कोई भी प्रश्न में अगर आपको अपना रोल पता है ना कि मैं ये प्रॉब्लम में दशरथ हूं या एक्चुअली मंथरा बन के जी रहा हूं, मैंने ये प्रॉब्लम चालू किया है घर में, तो प्रॉब्लम विल बी हाफ सॉल्व। तो इतनी बात है, टूवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए प्रामाणिक नैतिक पुरुषार्थ अपने व्यवसाय में, नीतिमत्ता एथिक्स कभी मत छोड़ना। दूसरी बात है, जीवन में सेवा तन मन धन से जितनी भी हो सके करना। और तीसरी बात है, परिवार के लिए समय देके शिक्षण के साथ संस्कार भी प्रदान करना। देन यू विल क्रिएट अ ग्रेट नेशन, यू विल क्रिएट अ ग्रेट वर्ल्ड। तो आज आप सबके लिए हम भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके जीवन में इस प्रकार के वर्तन की प्रेरणा अपने विचार से दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। हम सब यहाँ आगेवान यहाँ बैठे हैं, लायंस क्लब के अधिकारी सब बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके सब प्रोजेक्ट्स में आपको 200% सक्सेस मिले, ऐसी हम प्रार्थना और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और आखिरी एक बात ये करनी है कि सब उनको साथ देना। ये चापलोत जी जो यहाँ बैठे वो मेरे कैंप के नहीं है, पता चला मैं क्या बोला? ही इज नॉट फ्रॉम माई ग्रुप। सो इस वक्त मुझे जरा लाइन, मैं एक्टिविटी करूंगा लेकिन आज तक की है, लेकिन अगले साल करूंगा, ये साल जरा मजा नहीं आएगी क्योंकि हमारे क्लब का प्रेसिडेंट है वो मेरे ग्रुप का नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपने लायन का बैच पहना है, आप लायन नहीं बने। अगर इफ यू आर अ ट्रू लायन, एनी प्रेसिडेंट यू हैव टू वर्क, एनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यू हैव टू वर्क। हम लोग इस दृढ़ता से संस्था में जुड़े हुए हैं, जो समय पे जो भी सेवा मिली। प्रेसिडेंट का फोन आया कि कल ये संडे को प्रोजेक्ट है, रूलर में जाना है, यहां से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो बोलेगा फोन पे हाँ जरूर आएंगे, और दूसरे दिन फोन करेगा कि मुझे तो आना था लेकिन अर्जेंट काम आ गया। क्यों? वो रूलर में प्रोजेक्ट था और वराछा में नहीं था, वहां प्रेस आने वाली नहीं थी, यहां तो प्रेस वाले थे, फोटोग्राफ आने वाला था, इसलिए यहां जरा ज्यादा मजा आती है काम करने में। और फोटोग्राफर से बातें तब सब एक फ्रेम में घुसने का प्रयत्न करते, देखना। When you remove the frame from your mind, you will be able to work better. ये निकाल देना और पूरा सहकार देना। ये आखिरी एक विनंती है, यहां से जो भी निर्णय लिए जाए आपके आगेवान, एक एक ईयर की सबकी टर्म रहती है, बहुत
जल्दी मत करना कि उस कुर्सी से इस कुर्सी पे आ जाओ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना। सबको चांस मिलता है ना, मिलेगा, आज तक मिला है और आगे मिलते रहेगा। एज अ लायन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इस वक्त जो टीम बैठी है उसको पूर्ण सहकार देना, उसके सब निर्णय को 100% स्वीकारना और कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी बात नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका ग्रोथ अच्छा बनेगा। हम हमारे संप्रदाय में हमारे स्वयंसेवक को ये सिखाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप सबके लिए प्रार्थना है, बी अ मोर बेटर लायन एंड दस बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच और जय स्वामी नारायण।